वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिन जान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान। दोस्तों आज का कमेंट सूरज भाई ने कमेंट किया है कि इमरान भाई मेरा कबूतर पहले अच्छी उड़ान देता था पर जोड़े में डालने के बाद मेरे कबूतर की उड़ान बहुत कम हो गई है, खींच करके सिर्फ 2 घंटे उड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है आपके पास कि अच्छी उड़ान देने वाला कबूतर क्यों उड़ान कम कर देता है। कई रीजन आते हैं, हमने अभी पीछे भी डाली 2 दिन पहले कि कबूतर की उड़ान कम क्यों होगी, पहले अच्छा उड़ रहा था, 5-6 महीने नहीं उड़ाया उसकी उड़ान कम हो गई। बहुत सारे रीजन आते हैं कबूतर की उड़ान कम होने में, जिसमें ये रीजन भी आता है कि जोड़े में लगाने के बाद कबूतर की उड़ान कम क्यों हो जाती है। तो ये बातें आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बटेगा तभी तो आप सीखोगे दोस्तों। अगर कोई नहीं बताएगा तो क्या होगा आप जानते ही हो, हमारे भाई फिर लट बजाते रहेंगे जोड़े वाले कबूतर पर उड़ान नहीं दे रहा। दोस्तों देखो उड़ान वाला कबूतर अगर आप यूट्यूब पर देखते होंगे, ठीक है थोड़ा डिटेल में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप YouTube पर देखते होंगे जो बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं उनके लॉफ्ट आपने बहुत बड़े बड़े जाल देखे होंगे, देखे हैं दोस्तों या नहीं देखे? आपने नहीं देखे हो तो YouTube पर सर्च मारो और देखो, क्योंकि जो डेली YouTube पर घुसे रहते हैं तो वो सब चीज देखते हैं, कौन कहां से क्या डाल रहा है, कैसी वीडियो डाल रहा है, हर चीज डालते हैं। तो उसमें आप ये बात नोट करो कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े लॉफ्ट हैं, इतने बड़े बड़े जाल हैं, उनमें क्या फर्क है? कभी आपने ढूंढा? यार ये बात मेरे को ऑनलाइन वीडियो में पूछनी चाहिए थी तो थोड़ा बहुत देखना कि लोग क्या जवाब देते हैं। ठीक है, मगर आपको मैं यही समझा देता हूं मैं कि इतना बड़ा बड़ा जाल जो डालते हैं वे, और अलग अलग वैरायटी, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, और बाया बाया लॉफ्ट। दोस्तों हमने यूट्यूब पे ऐसा देखा है कि 10 दरवाजे 10 लॉफ्ट है, लगातार जाल के 10 दरवाजे हैं। ठीक है, सब में अलग अलग हल्की वैरायटी है, अलग अलग पर के हिसाब से कबूतर है उसमें। ठीक है, नर मादा अलग, सब अलग अलग रखे हुए हैं उड़ान के लिए। दोस्तों अगर जो बाजियों टूर्नामेंट खेलते हैं ना तमीज के साथ, जिन्होंने शौक बढ़िया करना है, ब्रीड बढ़िया लेके चलनी, नस्ल अच्छी लेके चलनी है, तो वो पूरा इंतजाम करके लेके चलते हैं कि हाँ ये नर उड़ने वाले इधर हैं, मादा उड़ने वाले इधर हैं, ये जोड़े उड़ने वाले इधर हैं, ये जोड़े बच्चे पालने वाले इधर हैं, उड़ाने बच्चे जो अनट्रेंड है वे बच्चे इधर हैं, जो बच्चे थोड़े ट्रेंड हो चुके हैं वो इधर हैं। ठीक है, पट्ठों में भी नरमादा इधर है, सब चीज अलग अलग रखते हैं, और मिक्स कबूतर खोलने वाले छत पर वे चीज अलग है। कितनी वैरायटी हो गई यहां तो लोग बाग। अब हमें ले लो भाई, हमने तो सिर्फ तीन ही खाने बना रखे हैं, एक तरफ जो है जोड़े वाले हैं सारे, एक तरफ नर है, एक तरफ मादा है। बच्चों में नर निकल गया तो नर की तरफ, मादा निकल गया तो मादा की तरफ डाल देते हैं। ठीक है, मगर बड़े खिलाड़ियों ने तो ऐसे कर रखा है कि बच्चों का बिल्कुल ही जाल अलग है, नर मादा से बच्चों का जाल अलग है, और जो उसमें अनट्रेंड है उनका अलग है, जो ट्रेंड हो चुके उनका भी अलग है। तो जिसके पास जैसा पैसा, जितनी बड़ी जगह, वो उतनी खुली हर चीज बना लेता है। ये बात भी देखी जाती है कि भैया पैसों से सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये उड़ान के ऊपर बता रहा हूं मैं आपको फर्क, जो आप कह रहे हो ना कि जोड़े वाले कबूतरों की उड़ान इमरान भाई पहले बहुत अच्छी थी और अब कम होगी, खींच तान के अब 2 घंटे उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, मैं वही फर्क आपको समझा रहा हूं मैं कि पहले का कबूतर आपका जोड़े में नहीं था, अच्छी उड़ान दे रहा था, अब आपने जोड़े में डाल दिया, जोड़े में डालने की वजह से, और जो भाइयों ने हमारे जाल में कबूतर रखे हुए बिल्कुल अलग अलग, नर मादा अलग क्यों रखे हुए, खाली उनसे उड़ान लेनी है, जोड़े में नहीं रखना उन्हें, मस्ती में नहीं आने देना उन्हें, बाहर नहीं फालतू का घूमने फिरने देना, खाली कबूतर के माइंड में। मेरे दोस्त जिनने ये कमेंट किया सूरज भाई, वो यहाँ माइंड में इतना बिठा के रखते हैं कि हमें इस जाल से निकाला जाएगा, हमने उड़ना है ऊपर, उड़ान दे के अगर हम आगे तो इस जाल में हम बंद हो जाएंगे, बाहर खुलने को घूमने फिरने को नहीं मिलेगा, ये छत पर टहलने भी नहीं देता, सीधा जाल के अंदर। तो वो अगला ऊपर वहीं टाइम मारता है क्योंकि उन्हें भी माइंड दिया, वो उतना वहाँ ऊपर उड़ के आता है, वो डेली अपनी उड़ान बढ़ाएगा कि उड़ते रहो घूमते रहो भैया, आसमान दिख रहा, दुनिया दिख रही है, घर मोहल्ला सब दिख रहा है। ठीक है, अगर नीचे चले गए तो सीधा जाल लॉफ्ट के अंदर, ऐसा भी उनका भी दिमाग काम करता है। ठीक है, अगर वो जितनी अच्छी हाई नस्ल में उड़ान वाला वो उतनी ज्यादा उड़ान देगा, अगर नहीं उड़ान वाला तो वो कहां से उड़ान देगा फिर, तो उसको तुम सारा दिन बंद रखो जाल में रखो, कहां से उड़ान दे देगा, उसके अंदर उड़ान है ही नहीं। ठीक है, ये बातें भी समझने वाली है। तो अब आपने क्या किया, उड़ान वाले कबूतर को जोड़े में डाल दिया, जोड़े में डालने से पहले
थोड़ी जोड़े में डालते ही कबूतर पहले क्या मस्ती में आ जाता है, मस्ती में आकर भी कबूतर अपनी उड़ान कम कर देता है, ठीक है। जब वो ब्रीडिंग में आ जाता है, मीटिंग में आ जाता है, आप ब्रीडिंग में डाल देते हो, उसके बाद वो मीटिंग में आ जाता है, सेटिंग वेटिंग में, ठीक है, तो उसके अंदर फिर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अंडों पे बैठता है, बैठे रहने से कबूतर के ये पर मोटे मजबूत रुकते हैं, क्योंकि उसने 8-10 घंटे वहां बैठना है अंदर, ठीक है। फिर वो अपना बाहर, अगर कबूतर अंडों पे नहीं बैठता तो वो डंडे पे कभी इधर कभी पोटर पोटर इधर कभी गुड़गुड़ इधर कभी पुटपुट इधर, ठीक है, गुड़कता रहेगा इधर उधर डंडे पे या अंदर या बाहर भी उड़ता रहेगा, मगर जोड़े में आके क्या वो बैठ जाता है, ऐसे पंजे भी नीचे ऐसे हैं और मोड़े भी इस तरह दबा करके बैठ जाता है। तो रेगुलर 20-22 दिन बैठे रहने से दोस्तों मोड़े कबूतरों के मादियों के रुक जाते हैं। अगर आप बीच बीच में उड़ान भी ले रहे हो ना, तब भी वो उड़ान नहीं दे पाएंगे जो उड़ान उनके अंदर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्त कि कबूतर जब बच्चे निकाल लेता है, बच्चे को जब वो दाना भराता है तो इन्हीं मोड़ों की वजह से वो जोर जोर से इनको इस तरह हिलाता है और दाना निकालता है, बच्चे को खिलाता है, तो इनका जोर लगता है, इनमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन, भारीपन आ जाता है इनमें मोड़ों में, तो वो उड़ान नहीं दे पाएगा। कहां से आप उड़ान ले लोगे, ठीक है। तो ये एक तरह का कबूतर पे जुल्म हो जाता है कि भाई उधर आप बच्चे भी ले रहे हो उससे, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने उससे उड़ान भी लेनी है जबरदस्ती, वो कहां से इतना ही उड़ान दे देगा। वो बात अलग है कि चलो उड़ा दिया 10-15 मिनट आधा घंटा एक घंटा अपनी मस्ती में उड़ के आ गया, ठीक है, मगर उसकी ये नहीं कि बच्चा भी पाल रहा था, आप सोचो कि यार नहीं 6 घंटे उड़ना चाहिए उस पर लट बजाओ, ये गलत हो जाएगा। कबूतर जाया हो जाएगा, जोर लग जाएगा, वो निकल जाएगा कहीं और जाके बैठ जाएगा वो हकीकत में। इसके बाद एक रीजन और आता है कि आप बच्चे पालते हुए कबूतर पर लट बजा रहे हो, जबरदस्ती उड़ा रहे हो, शायद आप उसके साथ कोई नुक्ता पानी भी दे रहे हो उसे कि नहीं उड़ान बड़ा खोल, और इधर वो बच्चों को भी दाना भरा रहा है, सब कुछ दे रहा है, ठीक है, और आप उसे जबरदस्ती उड़ा रहे हो, कबूतर अंदर से खाली हो जाएगा। क्या खाली? खोखला हो जाएगा। इन बातों को नोट करना दोस्तों, मैं जो समझा रहा हूं, मैं यूं ही नहीं कोई उस्ताद बन जाया करता, यूं ही नहीं कोई अपना नाम कर लेता कि मेरे कबूतरों की इतनी उड़ान है, मेरे कबूतर इतनी उड़ते हैं, ऐसी नहीं हो जाया करती कि बच्चे पालते हुए कबूतरों पर लट बजाए जाओ कि उड़ाए जाओ, और रुके हुए कबूतर आप 6-6 महीने रोक रहे हो और सोचो कि एकदम से उड़ान खोलने ही उड़ी नहीं रहेगी, 4-6 घंटे की उड़ान ही नहीं दे रहे, ऐसी नहीं उड़ान होया करती। देखो यूट्यूब पे कितने उस्तादों ने कितनी तरह से जाल बना रखा है, वो किस तरह से उड़ान लेते हैं, किस तरह से कबूतरों को लेके चल रहे, देखो यूट्यूब पे क्या क्या खिचड़ी पका रखी है, ठीक है। आप उन बातों को नोट नहीं करते, आप खाली ये कहते कि इमरान भाई ये नहीं उड़ रहा, क्यों नहीं उड़ रहा, उस पर फोकस भी तो करो। कबूतर बच्चे पाल रहा है, 2-2 बच्चे पाल रहा है, ठीक है, सारा दिन उन्हें लॉफ्ट के अंदर बैठा रहना, बच्चों को भी दाना भराना है, इनमें क्या होता है दोस्तों, दोस्त मेरे ध्यान से सुनना, कबूतर जब बच्चे को दाना भरवाता है, जोर लगता है, वो थक जाता है, यहां सूजन आ जाती है, ये बात तो समझ में आ गई। फिर उसके बाद सबसे बड़ी गलती हमसे क्या हो जाती है, हमसे जो पाल रहे, हमसे गलती क्या हो जाती है, वो ये कि कबूतर ने दाना तो भरा दिया, वो एक बार दाना भर के आया, फिर दोबारा दूसरी बार भी दाना दे के आ गया। हमेशा नर और मादा में कई बार तो दोनों सही दाना भराते हैं, नहीं तो ज्यादातर देखा जाए या तो बच्चों को नर ज्यादा दाना देता है या मादा देती है, एक कम खिलाता है, ऐसा अक्सर मिलता है देखने को, और आपकी छत पे भी होगा। अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके बताना कि हाँ इमरान भाई ये आपने पॉइंट सही बताया है कि हमारे भी मादा बच्चों को सही भराती है और नर नहीं भराता, या हमारे यहाँ नर बच्चों को अच्छी तरह दाने भराता है, मादा नहीं भराती, एक रीजन ये हो गया, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ आती है, जरा ध्यान देना कि क्या कि बच्चों को दाना देते हुए कबूतर, बच्चों को दाना दे दिया, उसके बाद कबूतर जो है बाहर आया, आके बैठ गया, वो दाना अपने लिए नहीं खाता गया, क्योंकि वो थक जाता है, 2-2 बार फटाफट दाना खाया, फटाफट पानी पिया, गया उड़ के गया वहां जाकर उनको दाना उना दिया, फिर आया, फिर दाना फटाफट खाया, ठीक है, फिर दोबारा गया, फिर जाके उनको पानी वगैरह दिए, ठीक है, और जो है दोबारा आया तो वो आराम करने लग जाता, पूरी तरह दाना नहीं खा पाता, ठीक है। और वो दाना खाने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो दाना खा रहा है तीसरी दफे में जब बाहर आता है, वो दाना खा रहा है, वो इतना दाना नहीं खाता कि वो खुद का पोट पूरा भर ले, ठीक है, वो अपना पोट पूरा नहीं भर पाता है, वो कहां से उड़ान पूरी दे देगा, उसकी कमजोरी यहीं से शुरू हो जाती है, यानी
ठीक है। और आपने ये भी नोट किया होगा, देखो वीडियो ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, जोड़े वाले कबूतर को आप उड़ा रहे हो, आपने ये भी नोट किया होगा बच्चे पालता हुआ कबूतर की हड्डी निकल जाती है, वो यहीं से निकलती है, यही रीजन है कि बच्चों को पोट भरा के आता है, खुद वो पूरा दाना नहीं खाता, थक जाता है, बस थोड़ा बहुत उठाया उठाया नहीं, पानी से पेट भर लिया, फिर वो पानी वाली बीट मारता है। मारता है ना, कमेंट करके बताओ, मारता ना पानी वाली बीट? यही रीजन होता है कि जोड़े वाले कबूतर को आप ज्यादा नहीं उड़ा सकते दोस्तों, ज्यादा नहीं, वो बेकार हो जाएगा कबूतर, जाया कर लोगे अच्छी नस्ल का। तो है कभी भी ये काम मत करो, अगर आप बच्चे ले रहे हो तो उनको बिल्कुल मत उड़ाओ हमेशा के लिए, यहां बांध लो बात कि अगर उनके बच्चे ले रहे हो तो उनको बिल्कुल मत उड़ाओ, अगर अच्छे कबूतर है तो मत उड़ाओ उन्हें, ठीक है। सीधा जाल के अंदर उनका एक अलग जाल बना लो, अलग उनके बच्चे वगैरह लो, उनसे छेड़खानी मत करो, उनसे उड़ने वाले अलग रखो। यूट्यूब पर देखो किस तरह उड़ने वाले, नर अलग मादा अलग, नर उड़ के आगे अंदर, अगले दिन मादा उड़ानी है, उड़ के आई सीधी अंदर, बाहर बाहर उनको दाना भी नहीं चुगाना, फिरने भी नहीं देना, सीधा जाल के अंदर ही दाना पानी सारा, फिर देखना उनकी उड़ान कितनी बढ़ेगी, ठीक है। और आपके जो बच्चे पालने वाले कबूतर है ना, जो बड़ी मुश्किल से खींच तान के 2 घंटे मार रहे हैं, तो शुक्र मनाओ कि वो 2 घंटे भी मार रहे हैं, नहीं बच्चे पालता हुआ कबूतर ज्यादा नहीं उड़ पाता, ठीक है। तो प्लीज हर बात को नोट करना, ये नहीं कि आप बच्चे पालते हुए कबूतर उड़ा रहे हो, चलो जी ठीक है उड़ान दे के आ रहा है, अच्छा है, नहीं गलत है, ये कबूतर जाया कर लोगे आप, खोलोगे आप, ठीक है। तो प्लीज इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम कर जाओ। अल्लाह।